चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। तनुश्री दत्ता के नाना पाटेकर पर लगाए गए आरोपों पर एक के बाद एक नए पन्ने जुड़ते जा रहे हैं। तनुश्री ने कहा था कि पहले जब इन्होंने इस बारे में आवाज उठाई थी तब किसी ने उनका साथ नहीं दिया था, सबने चुप्पी साथ रखी थी, लेकिन अब लगता है बॉलीवुड से भी ऐसी बात पर चुप नहीं रहा जा रहा। बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने इस मुद्दे पर अपने बयान दे तनुश्री को सपोर्ट किया है। वहीं अब जाके नाना पाटेकर ने भी तनुश्री के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा है कि इस बात पर कुछ भी कहना समय की बर्बादी होगी, क्योंकि उसको बड़ा चढ़ाकर बता दिया जाएगा, इसलिए वो इस पर लीगल एक्शन लेने की सोच रही है। तनुश्री ने नाना पाटेकर पर हॉर्न ओके फिल्म के दौरान आपत्तिजनक तरीके से छूने और अतरंग दृश्य फिल्माने का दबाव बनाने का आरोप लगाया था। ये आपको बताते हैं बॉलीवुड के बाकी सेलेब्स का इस बारे में बयान। महानायक अमिताभ बच्चन ने कहा, ना तो मेरा नाम तनुश्री है और ना ही नाना पाटेकर, तो मैं कैसे आपके सवालों का जवाब दे सकता हूँ। प्रियंका चोपड़ा का कहना है कि दुनिया को इससे गुजरे हुए लोगों की बात समझने की जरूरत है। ट्विंकल खन्ना कहती हैं कि बगैर उत्पीड़न का एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट मिलना इंसान का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और इसके खिलाफ आवाज उठाकर तनुश्री सबकी प्रेरणा बन गई है। ऋचा चड्ढा ने ट्वीट कर कहा कि तनुश्री की जगह होना बहुत मुश्किल है, अकेले खड़े रहना जब आपका कोई साथ न दे और सवाल उठाए। किसी भी औरत को ऐसी पब्लिसिटी नहीं चाहिए, जो उनके साथ हुआ वो गलत था, बस उनकी गलती इतनी थी कि वो झुकी नहीं और इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। साथ ही एक जर्नलिस्ट जेनिस क्वीरा का कहना है कि वो इस घटना के वक्त फिल्म के सेट्स पर मौजूद थी और तनुश्री का सपोर्ट किया है। सोनम कपूर, हरीश अय्यर, ऋतुपाना चटर्जी, मल्लिका दुआ, हंसल मेहता और मसाबा मंदीना ने भी इस मामले में ट्वीट कर अपने विचार व्यक्त किए।